जिसमें मेरे जस्ट साइड में एक लड़की बैठी थी, उसका मतलब 20 मिनट हो गए थे, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। वो बिल्कुल घबरा सी गई थी कि मेरा एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। मतलब वो सोच रही थी मैं कुछ बोल दूं कि जैसा कि यहाँ हो, ये वाला क्वेश्चन कर लो डुएबल है, ऐसा कर लो डुएबल, लेकिन मतलब एग्जाम हॉल में आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो उसको मैंने देखा वो पैनिक होते हुए, उसको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था। मतलब पेपर टफ था, ऐसा था, क्वांट बहुत टफ थी, लेकिन ढूंढना था। आप ढूंढते बिल्कुल मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब एक डी आई थी, जैसे 4 मार्क्स की एक डी आई थी, वो बिल्कुल ईजी थी। वो जिसको 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 मतलब वो टच हुआ होगा ना, वो कर ले गया होगा। तो वही आपको मतलब पिक करना है, क्वेश्चन पिक करना है, मेन से यही है मैम। क्वेश्चन पिक करिए, आप उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, पिक करने से पहले उसे टाइम दीजिए, थोड़ा पढ़िए, समझिए, आपको लग रहा है कि हाँ ये डुएबल है, आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल होगा। नहीं होता है, नहीं भी होता है, तो आपको ये लगेगा ना कि हाँ आपने पूरा मतलब अपना अटेम्प्ट दिया है उस पर। 7-8 मिनट भी खराब होते हैं, आप अगला अटेम्प्ट दीजिए उसमें। मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करने नहीं, ऐसा नहीं कि 25-30 अटेम्प्ट करने, कुछ बच्चे करते हैं लेकिन सबको नहीं करना है, सिलेक्शन ही लेना है हमें। Welcome to Camomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Ahana Menon, your host today. We have Vinay, who has cleared SBI PU and IBPS PU. चलिए उनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं, उनके जो भी उनके strategies हैं, tactics रहे हैं अभी उनकी preparation में, उसके बारे में सुनते हैं। हेलो विनय, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा फीलिंग आ रहा है कि जो आपने टॉप किया है दोनों एग्जाम्स, SBI भी और IBPS PU भी, तो हाउ डू यू फील? अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द वे? नो मैम, सेकंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया था? IBPS? IBPS क्लर्क। IBPS क्लर्क। और आपने वो पास भी करा है, राइट? पास किया एंड ज्वाइन भी किया था एंड वर्किंग था अराउंड 11th मंथ, जॉब भी किया। फिर मैंने ये अटेम्प्ट दिया SBI PU एंड IBPS PU, फिर दोनों क्लियर हुआ। तो आप ऑडियंस को बताएंगे आप कहाँ से हैं, आप बैंकिंग में कैसे, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया, आप बताएंगे? मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है और बीटेक पॉलीमर साइंस से किया है। फिर पॉलीमर मतलब बीटेक करने के बाद फिर से जैसे मतलब मेरा भाई भी जैसे बैंकिंग में था, तो उसका एग्ज़ाम जैसे क्लियर हुआ मुझे भी लगा कि मतलब बैंक एग्ज़ाम देना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। उससे पहले थोड़ा टफ लगता था, तो उसका देख के फिर से मैंने ट्राई किया। मतलब एक अटेम्प्ट दिया, मेरा क्लियर हो गया, IBPS क्लर्क क्लियर हो गया। मतलब PO नहीं हुआ, PO का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते करते फिर प्रिपरेशन थी, फिर मैंने थोड़ा एफर्ट और दिया, फिर नेक्स्ट टाइम दोनों क्लियर हो गया। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड विद माई क्वेश्चंस, जब आपके भाई ने बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको ऐसा लगा ना कि हाँ बैंकिंग तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा। लेकिन जब आपने खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो कोई डिफरेंस लगा कि या फिर नहीं कि हाँ इजी है, हो जाएगा? इजी था मतलब, लेकिन कहीं कहीं मिस्टेक्स होती थी, मिस्टेक्स जो मतलब कि कहीं कहीं साफ पता चलता था कि हाँ ये छूट रहा है, लेकिन ऐसा लगता था कि चलो हो जाएगा। लेकिन एट द एंड जाके रिजल्ट में ऐसा होता था कि 1-2 मार्क्स से रह जाते थे, तो वो मतलब मिस्टेक्स को मतलब सही करके फिर दोबारा से अटेम्प्ट देने पे मतलब थोड़ा ठीक था। मतलब टफ है, जैसे कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ये है। IBPS क्लर्क के बारे में बात करती हूँ मैं सबसे पहले, जो आपने एग्जाम उसका क्लियर किया, तो उसका जब आपने प्रेपरेशन, बिकॉज कई सेम ही होता है सब कुछ चीज़ें, तो जब आप IBPS PO और SBI PO का एग्जाम स्टार्ट कर रहे थे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूँगा ये क्लियर? मतलब प्रीलिम्स तो सारे क्लियर हुए थे, लेकिन मेंस में मतलब मेंस भी क्लियर हुआ था, IBPS PO का मेंस भी क्लियर हुआ था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तो लेकिन सेम था सब कुछ सेम है, बस आपका अटेम्प्ट मतलब डिफर कर जाते हैं। आप एग्जाम में कैसा मतलब उस टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो फर्क पड़ता है। आप मतलब कोई जरूरी नहीं है कि किसी का PO क्लियर हो रहा है तो क्लैरिकल क्लियर नहीं होगा, मतलब PO क्लियर हो गया तो क्लैरिकल भी क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। क्या पता क्लैरिकल क्लियर ही ना हो, वो मतलब आपका हिट होने पे, आपका एग्जाम कैसा जा रहा है, आपका मतलब मूड कैसा है, आपका मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है एग्जाम में, और आप क्वेश्चंस पिक कैसे कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। आपने जॉब भी करा है? यस मैम। तो आपने जॉब करते करते साथ में प्रिपेयर करा है इन द सेंस, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि टैकल करना कितना ईजी था या कितना डिफिकल्ट था? नहीं, टफ है, मतलब ईजी नहीं है, टफ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, मतलब एक जॉब ज्वाइन करते हैं इसलिए कि मैं दूसरी कर लूंगा, लेकिन बीच में चलते चलते छूट जाते हैं, वो कंटिन्यूटी बन नहीं पाती है। यू हैव टू बी सो कंटिन्यूअस, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत है, इसलिए आपने शुरुआत में बोलते कि यू हैव टू बी वेरी कांस्टेंट अबाउट इट, कि अगर आपको करना है तो करना है, आप ये नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहिए भी नहीं, बिकॉज आप किसी चीज की मेहनत स्टार्ट करते हो,
तो उसको कंप्लीट पूरा करना है। चलिए बढ़िया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आपकी प्रिपरेशन जाने से पहले, जर्नी में जाने से पहले आपसे पूछूंगी आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने, आप बैंकिंग में ही जॉब करते थे राइट, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ का? स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मतलब पोस्टिंग मतलब ऐसी थी, मेरा तो ठीक था फिर भी होम टाउन मिला था लेकिन 35 किलोमीटर का अप डाउन था, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो शुरू की स्टार्टिंग के 2 महीने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, फिर कभी कभी ऐसा भी आया कि जॉब छोड़ दूँ, लेकिन फिर ऐसा लगा जब जैसे प्रिपरेशन चलने लगी, मॉक्स मतलब देता था, क्लासेस भी हो जाती थी, थोड़ा टफ था मैनेज करना 2-3 महीने, जब धीरे धीरे मैनेज होने लगा तो लगा कि हाँ हो जाएगा, फिर ऐसे चलता गया तो प्रिपरेशन चलती गई। फिर बाकी टीचर्स ने थोड़ा हेल्प किया मोटिवेशन में, बाकी क्लासेस रेगुलर करने पे और मॉक्स देने पे तो ठीक था, मतलब रिजल्ट फिर एग्जाम दिया, रिजल्ट अच्छा आया तो फिर लगा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस था, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वो थ्रू आउट रह गया, तो इसलिए थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ बीटेक के बैकग्राउंड से टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग, वहाँ से यहाँ पे स्विच करने में क्या फील, क्या एक्सपीरियंस था या फिर क्या डिफिकल्टी थी? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम, आपके का मतलब आपके एग्जाम प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, आपका मैथ्स काइंड ऑफ हो जाता है बिकॉज आपके साइंस में भी होता है, बट स्टिल इंग्लिश हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, GK हो गया, दिस इज आउट ऑफ वॉट यू हैव रेड अभी तक बीटेक में, तो वो कैसा था, ये ट्रांजिशन कैसा था? थोड़ा टफ था क्योंकि मतलब बीटेक में हम थे तो उतनी पढ़ाई करते नहीं थे जैसे कॉलेज डेज में, सेमेस्टर एग्जाम हुआ 1-2 दिन पहले पढ़ लिया ऐसी आदत थी, तो फिर मतलब इसमें जाने से थोड़ा कॉन्टिन्यूटी दिखानी थी, मतलब GA तो हम लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं थे, करंट अफेयर्स से तो लेना देना भी नहीं था, सही बात। फिर थोड़ा उसमें ज्यादा मेहनत लगी, इंग्लिश वगैरह तो फिर भी जिसकी ठीक है उसको सही है, अदरवाइज थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वो भी मतलब कंटिन्यूअस 3-4 महीने किसी ने कर लिया तो अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश का भी है, रीजनिंग भी है, रीजनिंग भी ऑलमोस्ट जो जितने कैंडिडेट्स अच्छे हैं उनकी रीजनिंग क्वांट और ये सारी अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है लोगों का, वो भी हो जाता है थोड़ा 2-3 महीने में, बाकी ये हो गया। फिर करंट अफेयर्स में थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ता है जो इस फील्ड से नहीं है, बैंकिंग से, तो उसमें वो भी क्लास करते करते मतलब रेगुलर क्लासेस करो ना तो उसके बाद से वो भी अच्छा हो जाता है, मतलब याद करने की चीजें मतलब समझने की वो धीरे धीरे समझ आ जाती है क्लासेस करने के बाद, यस मैम, तो वो इसलिए थोड़ा मतलब कपिल सर से मैंने क्लासेस की थी बैंकिंग की, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस की, तो इसलिए मतलब उन्होंने सारा बैंकिंग की क्लासेस मैंने पहले कर ली, करंट अफेयर्स मैंने बाद में स्टार्ट किया, तो इसलिए थोड़ा मतलब बैंकिंग नॉलेज हो गई, तो उससे रिलेटेड जितनी मतलब आर्टिकल्स आते थे, न्यूज़ आती थी, तो वो समझ में आता था, तो इसलिए धीरे धीरे थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, इसके डिटेल में हम बात करेंगे जब हम मेंस में आएंगे। अब मैं पूछती हूँ आपसे, आप हो वाराणसी से राइट? यस मैम। आपने होम टाउन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या फिर आप कहीं और शिफ्ट हुए थे टू प्रिपेयर फॉर दिस? लॉकडाउन था, आई थिंक 2nd lockdown था, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था, उसके खत्म होने के बाद से, तो ये एग्जाम का फेज चल रहा था, जैसे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट किया तो मेरा भाई पहले प्रिपरेशन करता था, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था उसके पास, तो उसका क्लियर हो गया, तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं ट्राई करता हूँ 2 महीने पढ़ के देखता हूँ, मैंने पढ़ा तो थोड़ा सही था, तो मैं उसके यहाँ ही चला गया, तो जैसे वो लखनऊ में रहता था, हमारा घर है गाजीपुर में नियर टू वाराणसी, तो मैं उसके यहाँ ही चला गया, फिर वहाँ से थोड़ा करने लगा 1-2 महीने अच्छा लगा, फिर पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं बोला कि ठीक है मैं करूँगा, कंटिन्यू करूँगा प्रिपरेशन, तो फिर वो करने के बाद 7-8 महीने बाद क्लियर हो गया एग्जाम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके प्रिपरेशन जर्नी की तरफ। सबसे पहले तो प्रीलिम्स इट्स ईजियर देन मेंस, लेकिन आपको मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी होती है प्रीलिम्स से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, तो आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट इंग्लिश है, तो आई होप आपने उसमें टाइमिंग दे रखी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कम टाइम देते हैं एंड बाकी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम, तो आपका स्केड्यूल क्या था उस चीज़ को लेकर? स्केड्यूल स्टार्टिंग में तो मैंने सबको टाइम दिया, मतलब 2-2 क्लासेस में करता था, पहले 1-1 करता था, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते थे मॉक्स में, तो मैंने 2-2 क्लासेस करनी स्टार्ट कर दी, फिर 2 क्लास करने के बाद मॉक्स देता था, उसका प्रैक्टिस भी करता था, मतलब उसको दोबारा मतलब एनालिसिस भी करता था, तो थोड़ा टाइम लगा। इंग्लिश में पहले अच्छे नंबर नहीं आते थे, मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जब थोड़े मार्क्स कटने लगे तो फिर लगा कि करना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश पे किया, फिर जब मतलब 2-3 महीने के बाद इंग्लिश अच्छी हो गई तो मैंने छोड़ दिया, क्लासेस करना बंद कर दी, लेकिन मॉक्स देता था मैं रेगुलर, तो उसको छोड़ दिया, फिर बाग रीजनिंग की मैं 2 क्लासेस करता था, एक मिसलेनियस वाली जो जिसमें सारे मिसलेनियस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, एक पजल्स की स्पेशल,
पजल्स की बाकी वैसे ही क्वांट का भी था, क्वांट का भी एक मिसलेनियस का करता था और एक बाकी एरिथमेटिक की क्लासेस करता था। डीआई में नहीं करता था, डीआई की क्लास में खुद ही करता था, मतलब डीआई में खुद ही सॉल्व करता था, बाकी मॉक्स के थ्रू करता था। ये शेड्यूल था कि जैसे सुबह उठा पहले करंट अफेयर्स की क्लासेस की, फिर क्या बोलते हैं कि इंग्लिश की क्लास की, फिर रीजनिंग या फिर क्वांट कोई कर लिया, मतलब मैं रिकॉर्डेड सेशन देखता था, इंग्लिश या फिर रीजनिंग कोई कर लिया, फिर मॉक दे दिया शाम को, फिर एनालिसिस किया, फिर सो गए, फिर अगले दिन सेम रूटीन। तो आप करंट अफेयर्स भी साथ में ही लेके चलते थे, मतलब आपने ये नहीं छोड़ा कि प्रीलिम्स के 10-20 दिन पहले से स्टार्ट करो या कुछ ऐसा? नहीं, नहीं। आपने फ्रॉम डे वन ही आपने करंट अफेयर्स लेके चले? वो पहले से स्टार्टिंग से ही ऐसा, मतलब वो था ही, जैसे माइंड मेकअप अगर स्टार्टिंग से किसी ने कर लिया कि हाँ प्रीलिम्स तो होना ही है, फिर मेंस में फंस जाएंगे, तो पहले से ही करना था। ठीक है, अच्छा इंग्लिश की बात करें तो आपने बोला कि इजी लगता है, लेकिन ऐसे इजी होता नहीं है। सो आप बताएंगे इंग्लिश में क्या आपको डिफिकल्ट लगा, जो आपने आपको फील हुआ कॉम्प्रिहेंशन से या क्या थे? कॉम्प्रिहेंशन तो फिर भी थोड़े सही थे, मतलब हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, बाकी ग्रामर के जो क्वेश्चन टिपिकल वाले आते हैं वो दिक्कत करते थे। तो आपने उसकी प्रेपरेशन कैसे करी थी ग्रामर? वो निहारिका मैम की क्लास की थी मैंने, वो प्रैक्टिस सेशंस कराती थी। अच्छा, वो करता था मैं, दो दो क्लासेस उनकी चलती थी बैक टू बैक, वो दोनों मैं लाइव करता था। अच्छा, वो करने के बाद 2-3 महीने बाद ऑटोमेटिक सही हो गया, वो अच्छा हो गया। तो आपने न्यूज़पेपर्स आल्सो यू रेफर्ड टू एट दैट? एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट रीडिंग, मेरी वो हैबिट नहीं है, मतलब करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मतलब आई एम बीइंग ट्रू, मेरी वो हैबिट थी नहीं, मैंने कभी किया भी नहीं। वो समटाइम्स कभी कभी करता था जब वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था, तो 4-5 दिन 8-10 दिन कर लिया तभी करता था, अदरवाइज ऐसे नहीं करता। तो रीडिंग आप कैसे करते थे, मतलब जो आप कह रहे हैं 8-10 दिन भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप किससे करते थे रीडिंग? न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, रैंडम कुछ भी, टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते थे पीडीएफ, वो कर लेता था। एंड आई थिंक वो एनएफबी होता है प्रीलिम्स के लिए, रीडिंग तो उसमें भी होती है ना, जो हम करंट अफेयर्स करते हैं उसके जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें भी तो रीडिंग हो जाती है। तो आप उसकी मतलब साथ साथ वोकैबुलरी भी आप मार्क कर लिया? वो इंग्लिश के क्लास में करता था। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम आएंगे क्वांट्स की तरफ। यस मैम। क्वांट्स आपको एज अ सब्जेक्ट, आपको अगर मैं डिफिकल्टी लेवल में पूछूं 1-5 में, तो आप क्या रेटिंग देंगे उसमें? क्वांट पहले पे आएगा मतलब सबसे हार्ड, हार्डेस्ट इसलिए है कि मतलब क्वांट्स में 2-3 चीजें हैं, जैसे रीजनिंग में हो गया तो रीजनिंग में आपने एक मिसलेनियस कर लिया, पजल से स्ट्रॉन्ग कर लिए, खत्म, आपका रीजनिंग कंप्लीट है। इनफैक्ट बच्चे 3-4 महीने के अंदर 35-35 स्कोर करने लग जाते हैं। क्वांट में जबकि ऐसा है, आपको मिसलेनियस करना है, कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए, और उसके बाद आपको डीआई भी मतलब स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर एरिथमेटिक जबकि जिसका स्ट्रॉन्ग एरिथमेटिक में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें टॉपिक्स ज्यादा है, ज्यादा होते हैं, तो किसी का ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए, कुछ टॉपिक्स रह गए, प्रैक्टिस छूट गई, प्रैक्टिस कम रह गया, तो वो टॉपिक्स रह जाती हैं, तो उससे रिलेटेड अगर डीआई भी एग्जाम में आती है तो वो भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मतलब इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा टफेस्ट है, अगर किसी ने मैनेज कर लिया उसके लिए तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वांट। सो बीइंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, यस मैम, आपको ऐसा लगा कि क्वांट्स फिर भी आपने उसको क्रैक कर लिया था? यस मैम। आपको लगा ऐसा ही है या फिर ऐसा नहीं होता है कि इट्स अ डिफरेंट लेवल? ऐसा नहीं होता है मैम, वो मतलब लेवल तो खैर मतलब बहुत एडवांस तो है नहीं मैथमेटिक्स, वो है बेसिक 10th तक की, जितनी मैथ्स है अरिथमेटिक्स सारी वो 10th क्लास तक की ही है, बस उसका मतलब अपडेट मतलब लेवल थोड़ा अप है, बाकी चीज़ें कॉन्सेप्ट सारे वही हैं 10th क्लास तक के ही हैं, तो उसमें ऐसा कुछ इंजीनियरिंग से या फिर साइंस बैकग्राउंड से रिलेशन कुछ नहीं है, बस ये कि जिसका मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसके लिए क्वांट बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपने कितना टाइम दिया था ओवरऑल इन अ डे टू द क्वांट्स? आई थिंक 3 आवर्स। 3 आवर्स, और इसमें आप मेंस का भी साथ में लेके चलते थे? मेंस भी, तो इसलिए आप 3 आवर्स का वो लेके चलते थे? स्टार्टिंग में मतलब आर के हिसाब से नहीं था मेरा, प्रीलिम्स होने से पहले मैं टाइम नहीं देखता था। ठीक है, जैसे मेरा सिलेबस जब तक कंप्लीट हो जाए वैसे मैं करता था, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर मैं प्रीलिम्स का वो थोड़ा कम कर दिया, मेंस का फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेंस के लेवल्स कर लूं, प्रीलिम्स होने से पहले ही मैंने मेंस स्टार्ट कर दिया। और आई थिंक वो टैक्टिक भी सही है क्योंकि आप अगेन टाइम नहीं होता आपके पास, तो आपके पास इतना प्रिपेयर करने का टाइम नहीं कि आप मेंस की, क्योंकि आपको मेंस में एक्यूरेसी भी चाहिए और टाइम भी बहुत मैनेज करना जरूरी है। मेंस में एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर नहीं सकते, क्वेश्चंस टफ होते हैं, आपको सिलेक्शन भी करना होता है क्वेश्चंस का। करेक्ट, तो उसकी मतलब फिर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आप पिक कर रहे हो उसको आप पूरा फिनिश कर लो ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप स्कोर भी कर लो। तो आपने रीजनिंग, अब मैं रीजनिंग में अगर आऊँ तो रीजनिंग में आपने बोला कि आपने पजल्स ही पहले सॉल्व करने से, मतलब आपका रीजनिंग सॉर्टेड था काफी हद तक प्रीलिम्स का। yes, और मेंस के लिए जो आपने स्टार्ट करना स्टार्ट किया था, रीजनिंग के लिए भी
यस मैम, मेंस का भी पहले, मेंस मतलब रीजनिंग मैंने सबसे पहले की थी मेंस की। अच्छा, रीजनिंग पहले खत्म भी हो जाती है, कोई स्टार्ट करता है ना तो उसकी रीजनिंग सबसे पहले खत्म हो जाती है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा मतलब स्कोर भी आने लगता है। आई थिंक वो भी होता है कि बिकॉज इंटरेस्टिंग ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा उसमें टाइम भी दे देते हैं कि ठीक है इसमें मजा आ रहा है इसको ही करते रहो, और उसमें कभी कभार दे इग्नोर द क्वांट्स और इंग्लिश इन सब चीजों का। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? यस मैम, क्वांट में थोड़ा मेहनत लगती थी तो मैं अरिथमेटिक इग्नोर करने लग गया था। मतलब प्रीलिम्स के पहले मैं अरिथमेटिक थोड़ा इग्नोर कर रहा था, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में जब 4-5 क्वेश्चन छूट गए उसके अरिथमेटिक के, थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं करना है। फिर मैंने किया, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है क्वांट। तो आपको स्केड्यूलिंग में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि यस मैम रीजनिंग के लिए अगर 1 घंटा है तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ना, एंड क्वांट्स के लिए इतना टाइम है तो आपको उतना देना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका मतलब थोड़ा सा वीक है। अब एग्जाम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम SBIPO एंड IBPS PO दोनों का क्या सिमिलर था डिफिकल्टी लेवल या फिर इजी लेवल में पूछूं? सिमिलर था या फिर समवॉट सिमिलर होता है, मतलब पजल्स के थोड़े मतलब लेवल, DI का थोड़ा सा लेवल हल्का सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा। क्या मतलब? मतलब IBPS PO का जो होता है लेवल हल्का सा थोड़ा सा लो होता है SBIPO से। अच्छा, यस मैम, इसलिए थोड़े नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं IBPS PO में, SBIPO में कम रह जाते हैं वहीं, लेकिन एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो वो फर्क नहीं पड़ता उसका। तो आपने प्रीलिम्स से पहले मॉक टेस्ट भी दिए थे काफी, तो मॉक टेस्ट आपने क्या सोच के मतलब मेंस का ही प्रिपेयर करते हुए किया था या फिर प्रीलिम्स का करा था आपने स्पेसिफिकली? मतलब पहले तो आपको प्रीलिम्स देना ही है, मतलब छोड़ना नहीं है प्रीलिम्स, आपको मेंस मतलब प्रीलिम्स खत्म होने तक देना है, फिर मतलब बीच बीच में टाइम निकाल के वीकली मतलब दे लिया या फिर वीक में दो बार दे लिया, मेंस का देते रहना है ऐसे। तो आपने ऐसे ही प्रिपेयर करा था, आपने दोनों साथ में लेके चले और मॉक टेस्ट में भी, और बट आपने प्रीलिम्स के टाइम पे ज्यादा मॉक टेस्ट अपने प्रीलिम्स के दिए, राइट? प्रीलिम्स के टाइम ये। अब एग्जाम की बात करो तो एग्जाम कैसा था आपका, कि हाउ वाज इट? आपको जब प्रीलिम्स का आप एग्जाम देके आ गए थे, आपको लगा कि हो जाएगा? हां मैम, वो मतलब वो कॉन्फिडेंस था, आफ्टर अ टाइम वो आ जाता है, सबको पता रहता है कि एग्जाम में मतलब मैं कितने कर रहा हूं, क्या एक्यूरेसी है मेरी, सबको पता होता है, बस वो थोड़ा लोग सोचते हैं कि इसमें 25 आ जाए, इंग्लिश में मैंने 26 कर दिए 26 आ जाए, लेकिन वो पता होता है कि हाँ मैंने कितने किए हैं, कितने मैंने गेस वर्क कर दिया या फिर मतलब मुझे ये लग रहा था ये वाला सही है तो मैंने कर दिया तो इतने आ जाने चाहिए, वो आपको आइडिया होता है, सबको सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होता है कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं मेरे इतने आने चाहिए, वो होता है। तो प्रीलिम्स में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो? नो मैम, नहीं, आप उसमें भी कुछ डिपेंड करता है, अगर कभी कभी IBPS PO मतलब क्लेरिकल का IBPS क्लर्क का कभी कभी पेपर ईजी होता है तो आप 98-99 कर लेते हैं, कुछ बच्चे 100 भी करते हैं। अच्छा अच्छा, कर सकते हैं मतलब, लेकिन वो मतलब अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उतना कट ऑफ जाने से रहा है। एंड IBPS PO और SBIPO के एग्जाम्स में उसमें 100 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको याद है मेरा अटेम्प्ट 86 था IBPS PO में एंड SBI में 68 था। प्रीलिम्स का ज्यादा नहीं बात करूंगी क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा मेंस में है, क्योंकि आपने जैसे बताया प्रीलिम्स थोड़ा सा बेटर होता है मेंस से, इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है चीजों को लेकर, राइट? सो अब आप बताइए आपका प्रिपरेशन जर्नी ऑफ मेंस स्टार्टिंग विद इंग्लिश ओनली, आई एम स्टार्टिंग विद इंग्लिश, ओके मैम, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। yes, हमें ऐसा लगता है कि नहीं प्रीलिम्स का जो इंग्लिश कर लिया वो सेम नहीं होता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, टाइमिंग मैटर करने लग जाता है और हर एक उसको 20-20 मिनट मिलते हैं, राइट? और इंग्लिश का पेपर ऐसा ही होता है, हमेशा लेंथी होता ही होता है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस था प्रिपरेशन के टाइम पे इंग्लिश में? थोड़ा मतलब पहले प्रीलिम्स अच्छा हो जाने के बाद, प्रीलिम्स में मार्क्स आने के बाद मेंस में, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते कभी, मतलब बहुत रैंडम सा होता है, कभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, 30+ आ जाएंगे, कभी आपका 10 नंबर भी आता है, 8 नंबर भी आता है, ऐसा भी होता है कुछ कुछ मार्क्स में, ऐसा कभी हो जाता है कि आप अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे या फिर आपको लगेगा आपने सारा सही किया है लेकिन जब मार्क्स देखते हो तो बहुत कम आ जाते हैं, तो उसके लिए मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है मेंस का, तो इंग्लिश का प्रैक्टिस चले मतलब चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, 2-3 घंटे चाहिए। तो आपने कैसे प्रैक्टिस की थी? मैंने मॉक से किया था, फिर बाकी क्लासेस की थी वो मेंस की जो क्लासेस होती हैं। तो आपने जो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट ही मॉक से करा था? नहीं नहीं, पहले क्लास की थी मैंने, सारी क्लासेस की थी पहले, मतलब जब 3-4 दिन हो गए तो टीचर्स बोलते थे कि आप स्टार्टिंग से ही मॉक्स दो, तो मैंने मॉक्स स्टार्ट कर दिया देना, मार्क्स नहीं आते थे लेकिन फिर भी वो बोलते थे कि कंटिन्यू करो, मतलब मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आप करते रहो सारा आपका एक बार टच होगा ना, जो सब्जेक्ट आप एक
मतलब जो टॉपिक्स आप एक हफ्ते पहले पढ़ रखे हो वो उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मॉक्स देता था मैं। आप एनालाइज भी करते थे अपना मॉक पेपर? यस सर। सो एंड ऐसे एनालाइज करने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने उसकी तरफ कैसे वर्क करा कि उन सब चीज़ों में क्या गलती थी, कैसी थी, आपने कैसे उसको बेटर करा इंग्लिश में? जैसे इंग्लिश का बात करूँ, मेरी वोकैब खराब थी, बहुत वीक थी, तो मुझे आइडिया लग जाता था कि ये वोकैब का क्वेश्चन जैसे ही आया वोकैब से रिलेटेड वो मेरा गलत हो जाता था, 50-50 का आइडिया होता था। तो गलत हो जाते तो मुझे आइडिया धीरे धीरे लग गया, ग्रामर के क्वेश्चन सही होने लगे थे, बाकी कॉम्प्रिहेंशन भी सही होने लगा था, मैं अटकता वहीं था जहाँ पे मेरा वोकैब आता था, तो इसलिए मैंने वोकैब स्टार्ट की, वोकैब मतलब अच्छा किया, फिर वोकैब जब सही हो गया, बाकी उसमें जैसे लेंदी जो आते हैं, पैरा फिलिंग्स जो आती हैं लेंदी, वो उनमें थोड़ी दिक्कत होती थी, तो वो दोनों मैंने वर्क किया, दोनों सही हो गया, उसके बाद अच्छा हो गया। कोई टिप या ट्रिक है इंग्लिश पेपर को क्रैक करने का? इंग्लिश में रीडिंग, रीडिंग ही है बट आपने अभी बताया कि मैं करता नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी अच्छी है इंग्लिश में, पहले से ही लगता था अच्छी है, थोड़ी जो वीकनेस थी वो मुझे जल्दी मैंने फिगर आउट कर लिया, तो वो कैब मेरी वीकनेस थी वो मैंने सही कर लिया, बाकी मेरे सारे अच्छे थे, तो इसलिए मेरा अच्छा हो गया। वो कैब से सच में बहुत फायदा हुआ था मुझे, वो कैब से मेरे ऑलमोस्ट 10 to 11 ऐसे मार्क्स बढ़ जाते थे, क्योंकि जब आप रीडिंग भी करते हो उसके साथ में वो कैब के साथ में आई थिंक आपका ग्रामर भी काफी बेटर होता जाता है, तो आपका दो पोर्शन साथ साथ ही ठीक होता जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वांट्स, क्वांट्स का लेवल और बिकॉज आपने बोला कि इट्स द हार्डेस्ट, इवन इफ इट इज प्रीलिम्स इट इज द हार्डेस्ट, तो मेंस में तो और ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, तो क्या था आपका टैक्टिक इसमें, क्योंकि इसमें आपको कई बारी थोड़े से ट्रिक्स लगाने पड़ जाते हैं ताकि आपका एक्यूरेसी भी हो और आपका टाइम भी कंज्यूम कम हो, उसका कैसे आपका टैक्टिक था? मेंस में तो आपको मतलब अटेम्प्ट्स वैसे करने हैं, जैसे सबका अलग होता है, जैसे कोई डीआई अच्छा करता है, अगर डीआई उसकी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वो एग्जाम्स में डीआई मतलब पिक करता है इजी वाली, जो उसको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मेंस में यही करना है आपको, सिलेक्शंस पे ज़्यादा टाइम देना है, मतलब क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट करो उसमें आप चाहे 5 मिनट अपने दे दो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करो, ऐसा क्वेश्चन करो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आप जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप सेलेक्ट अच्छा करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया उसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको क्वेश्चन जैसे खत्म हो जाएगा आपके मार्क्स पूरे वो मतलब वैसे हो जाएंगे, जैसे उतने करने नहीं होते, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट कर लिया किसी ने मेंस में क्वांट के, वो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कभी कभी इस बार तो बहुत मतलब टफ आया था ना क्वांट IBPS PO का, तो उसमें तो बच्चे 5-6 क्वेश्चन करके भी अच्छा स्कोर कर गए थे। ठीक है, आपने कितने अटेम्प्ट करे थे? मैंने अटेम्प्ट किया था 8। और आपके 8 हो गए, 8 मतलब आप जब घर सही थे। ठीक है, एंड वी कैन सी द रिजल्ट आल्सो, आपने बिल्कुल टॉप भी कर लिया उसी। एंड व्हाट अबाउट द रीजनिंग वाला पार्ट? रीजनिंग में भी वही है, रीजनिंग में भी मतलब मेंस की रीजनिंग में आपको मिसलेनियस पहले करना है, मिसलेनियस अपना स्ट्रांग रखिए, मिसलेनियस सबका स्ट्रांग होता है, मिसलेनियस करिए, मिसलेनियस के क्वेश्चंस पहले भी करिए, फिर मतलब पजल्स पे बाद भी जाइए, क्योंकि पजल्स में अगर फंस जाते हैं आप स्टार्टिंग में ही तो फिर आपका पूरा टाइम भी जाएगा, क्वेश्चन और उतने मार्क्स भी जाएंगे, तो उतना उससे बेटर है आप दो दो मार्क्स के क्वेश्चन जो है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो है उनको इकट्ठे करके 10 अटेम्प्ट तो आराम से हो जाते हैं उतने, फिर आपने अगर एक पजल भी कर लिया तो आपके कम से कम 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन इज अ गुड नंबर। तो बिकॉज हम प्रेपरेशन की बात करें, प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में आपने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए हैं या फिर क्लासेस भी किए? क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट। कितने दिन आपने मॉक टेस्ट दिए? मॉक्स मतलब एक मॉक देता था उसको सॉल्व करने में 3 दिन लग जाते थे, 2 से 3 दिन। 3 दिन? यस मैम। मतलब एक्चुअली मैं वर्किंग था ना उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 3 दिन, लेकिन नॉर्मली अगर मैं मतलब उसके वर्किंग से पहले भी बात करूँ ना, जब मैं क्लेरिकल की तैयारी किया था तो उसमें भी यही था, 2 दिन तो मिनिमम लगते हैं, पूरा मॉक्स अगर मॉक अगर पूरा कोई सॉल्व कर रहा है 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, सो आप वर्किंग भी थे तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि आप जैसे बोलो 3 दिन लग जाना, क्योंकि वो 3 दिन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो किसी भी प्रिपरेशन के लिए, आपको एक दिन में जैसे फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग और प्रैक्टिसिंग थिंग्स सुबह से शाम तक, आपके पास वो चीज़ नहीं था, तो मतलब आपको कभी कभार लगता था कि थोड़े दिन के लिए मैं ऑफिस नहीं जाऊँ या मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन एग्जाम से पहले लगता था, एग्जाम जब आने वाला होता था मतलब 4-5 दिन पहले ऐसा लगता था, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि मतलब क्यों ही करना, वैसे एडजस्ट करो हो जाएगा, मतलब थोड़ा पुश करो, तो थोड़ा टाइम पुश करता था, मतलब
निकालना होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन पैनिक भी आता होगा ना कभी कभार, पैनिक आता है ऑफिस में बैठे बैठे, अरे मेरे को मैं घर जाना है जल्दी से, घर टाइम हो जाए तो जल्दी हो जाओ जाके पढ़ना है, होता था कभी कभी होता है, कलीग से भी थोड़ा मतलब ऐसे हो जाता है, उसको ये लगता है कि ये तो भागना पढ़ने में ही ध्यान रहता है इसका, काम करने में नहीं रहता है, ये सब भी होता है। तो ऑफिस में भी आप पढ़ाई करते थे? कभी कभार, कभी कभार मतलब करनी पड़ जाती है। क्लरिकल में ऐसा होता है ना कि मैं कैश पे बैठता था, मतलब स्केल टू ब्रांच थी और रूरल ब्रांच थी, तो उसमें तीन स्टाफ होते हैं, एक तो बीएम, एक डीवीएम, एक क्लरिकल। क्लरिकल को कैश में बिठा देते हैं, मैं कैश में था, तो कभी कभी बीच में टाइम मिल जाता है आधे घंटे एक घंटे, तो उसमें मैं मतलब एक मैं बोलूंगा खुद से सजेशन दूंगा कि मतलब बच्चों को प्रैक्टिस क्या करना है प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी, तो एक शीट देते हैं मतलब पीडीएफ आती है आशीष अरोरा सर की, मैंने वो की थी पर्सनली इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी पीडीएफ मतलब बहुत हेल्पफुल थी, उस वही मैं करता था, वही सॉल्व करता था फिर, मतलब इसलिए मुझे कम मतलब क्लासेस नहीं भी करता था ना, तो उस पीडीएफ से मेरा हो जाता था काम। अच्छा, और वही आप ऑफिस में बैठ के वो करता था, जब वही पीडीएफ मिलता था तो आप कर ले, तो मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत काम करा, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको काफी समझ में भी आया होगा, राइट? ठीक है, वैसे ऑफिस खत्म होने के बाद आपके पास कितना टाइम होता था, आप कब सोते थे, बिकॉज आपको सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना है, चीजें करनी है, तो कितना टाइम था आपके पास जिसमें आप प्रिपेयर करते थे? टाइम मतलब तीन घंटे, तीन घंटे सिर्फ, तीन घंटे में आप काफी कुछ प्रिपेयर कर लेते थे, वैसे मतलब अगर प्रिपरेशन हो रखी है पहले से, थोड़ी स्ट्रांग हो गई है आपको, बस मतलब अपना कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो तीन घंटा इज इनफ, ठीक है, मॉक्स को छोड़ के। हाँ राइट, ओके ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करने में ही तीन दिन लगते हैं, फिर उसको एनालाइज भी करना है, सो एनालिसिस करने में आपको फुल एनालिसिस और सब कुछ मिला के आप बोल रहे हो तीन दिन? मतलब मैं ऐसे बहुत लोग करते हैं सबमिट कर देते हैं मॉक को, फिर उसको सॉल्व करते हैं, एनालिसिस एक साथ सारा करते जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मॉक देते हैं पूरा फुल लेंथ मॉक देंगे 3 आवर्स का, फिर उसको बाद में सबमिट कर देंगे, मतलब रिजल्ट आने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे पूरा, मैं ऐसे करता था, ठीक है, पूरा अटेम्प्ट करने के बाद, तो उसको तीन नहीं लगता था मुझे एनालिसिस करने में पूरा, ठीक है, सॉल्व एंड एनालिसिस। तो अब मैं आती हूँ जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि मेंस में हमारे ये दो सब्जेक्ट्स और जुड़ जाते हैं, तो पहले तो आप बताइए कि जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस आते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस के कितने, मतलब क्या है इनका वेटेज इन एग्जाम्स? मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के मतलब कुछ क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस आएगी बैंकिंग से रिलेटेड ही आएगी। अच्छा, जो करंट अफेयर्स आती है वो बैंकिंग से रिलेटेड ही आती है। आप कुछ एक, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बता सकते हैं कुछ भी ऐसा, कुछ भी जैसे दो बैंक का मर्जर हुआ था, हाँ, तो पूछ लेगा कि ये वाला बैंक किसमें मर्ज हुआ था, कब हुआ था या कैसे हुआ था, ये कब हुआ का क्वेश्चन तो रेयरली दिखता है, लेकिन किस में मर्ज हुआ था ये क्वेश्चन कभी कभी दिख जाते हैं, ठीक है, ओके। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि बाकी जीके के भी होते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं कि ये कहाँ पे मीटिंग चल रही है, या फिर ये अगली मीटिंग कहाँ होस्ट होने वाली है, ये स्पोर्ट्स हुआ था इसके विनर का नाम पूछ लिया, ऐसा ये सारे क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के, ठीक है। तो अगेन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अवेयरनेस दोनों ही बहुत वाइड टॉपिक्स है, नहीं पता कहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, कल भी कुछ हो सकता है जिसका शायद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चीज़ें, तो आपने इसकी प्रिपरेशन करी कैसे, करी आपने नैरो डाउन करा था या आपने पहले बहुत सारी बुक्स उठा के पढ़ने स्टार्ट कर दिए फिर आपने नैरो डाउन करा, कैसे करा था? मैंने फॉलो कर दिया, एक टीचर को फॉलो किया था, उनका मटेरियल ही मैंने फॉलो कर लिया, तो जैसे इतनी मेहनत मैं करता उतनी मेहनत वो टीचर कर रहे हैं, तो उनका ही मैंने पढ़ लिया, मुझे एक ही मेहनत करनी है कि पढ़ना है बस, पढ़ना है उसे रिटेन करना है, रिविजन करना है, पढ़ना है बस, तो इसलिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के टीचर का फिलसर उन्हीं का किया था, तो उनकी मतलब रेगुलर क्लासेस करनी होती है बैंकिंग में, यही है मतलब करंट अफेयर्स में, ये है आपको रेगुलर क्लासेस करनी है और प्लस रिवीजन भी करना है पीछे का, आप रिवीजन नहीं करोगे फिर वो कोई मतलब नहीं है, जो आपने पढ़ा है पिछले का डेली का पढ़ रहे हो आप, 6 महीने की मतलब माना जाता है ऐसा कि बैंकिंग में पिछले 6 मंथ्स की आती है करंट अफेयर्स, तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब रिटेन नहीं कर सकते उतना एक बार पढ़ के, तो आपको डेली करना होता है, फिर वीकली रिवाइज कर लिया, फिर मंथली कर लिया, फिर मॉक दे लिया, बिना मॉक के वो तो रिटेन रहता ही नहीं है, फिर मॉक्स दे लिया, मंथली कर लिया, फिर भी एक दो मंथ ऐसा होता है छूट ही जाता है एग्जाम से पहले, इसमें ये होता है, तो ऐसे करना होता है, मतलब रिवीजन करो आप फिर मॉक्स दो, मॉक्स जितने ज़्यादा हो सके इंडिविजुअल अलग से, मतलब करंट अफेयर्स का जो जनरल अवेयरनेस का मॉक्स आता है वो अलग से देना होता है, तो मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, एंड इवन आई थिंक इंटरव्यू के लिए भी मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो जो भी आप लर्निंग कर रहे हो उसको आप क्वेश्चन में देखते हो, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में भी बैठ जाता है एंड आपका एक्यूरेसी भी डेवलप होता है, आप एक टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हो, तो मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, राइट? ठीक है, सो बैंकिंग अवेयरनेस की मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, बैंकिंग अवेयरनेस हमने बोला कि जनरल अवेयरनेस आपका बैंकिंग अवेयरनेस काइंड ऑफ उसी से आता है, बैंकिंग से ही रिलेटेड चीज़ें आती है,
तो आपने उसकी तैयारी कैसे करती? आपने बताया कि कपिल सर का आपने करा, बट उसके अलावा भी आपने कोई और रिसोर्स ट्राई करा था? दूसरे भी ट्राई किया था, मतलब एक बार ऐसा हुआ जैसे पेपर बहुत टफ आ गया, तो मतलब मुझे ऐसा लगने लगा पता नहीं क्यों कि मैं एक सोर्स फॉलो कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है, तो मैंने दूसरा सोर्स भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो बेनिफिशियल नहीं था। आप दो सोर्स कर रहे हो, इससे बेटर है ना कि आप एक दो बार रिवाइज कर लो ना एक सोर्स को, आपको जो बेटर लग रहा है उसको भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही टीचर को पकड़ो, उसका सोर्स फॉलो करो, अगर टीचर से नहीं पढ़ना है आप कोई मतलब पीडीएफ सोर्स भी ले सकते हो, ऐसे भी करो, लेकिन मतलब आपको एक ही सोर्स को पढ़िए, क्योंकि सारा सेम है, सबका मटेरियल सेम है, न्यूज सेम है, न्यूज थोड़ी बदल जाएगी मैम दूसरा टीचर पढ़ाएंगे तो, ये तो आपको फॉलो करना है एक चीज को, उसको रिविजन करना है। ठीक है, ठीक है। तो आपने भी कैसे याद किया? बिकॉज इतना इजी नहीं होता, मेरे को लगता है करंट, जितना लोगों को लगता है कि इजी होता है करंट अफेयर्स पढ़ना, या फिर ठीक है वो तो साथ में चलता रहेगा, लेकिन उसको याद रखना उतना ही डिफिकल्ट है, बिकॉज बाकी सब चीज़ों को तो सॉल्व करना हो गया, बट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको याद रखना है। इसमें फिगर्स ही याद करने होते हैं, जो मतलब बजट हो गया किसी चीज़ का, बजट है या फिर कोई मतलब ऐसा, मतलब कोई पावर प्लांट बन गया तो उसका कितने मतलब कितने का बजट था, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं इस टाइप के, तो ये बहुत मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन किया है, फिर मॉक से ही, मतलब मुझे लगता है कि रिवीजन से भी उतना नहीं होता जितना मॉक से, मतलब ये चीज़ें याद हो जाती हैं, फिगर्स बहुत अच्छे याद होते हैं, आपने मॉक से आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये फिगर था, ये फिगर था। आजकल तो बहुत टेढ़े क्वेश्चंस पूछने लग गया है, मतलब ऑप्शंस भी देते हैं ए बी सी करके, फिर उसमें भी देंगे वन टू ओनली ए और ए एंड बी बहुत बहुत करेक्ट, ऐसे करके भी आते हैं। करंट अफेयर्स थोड़ा टफ हो गया अब, पहले जैसा नहीं रहा, पहले ऐसा नहीं रहा है कि वन वर्ड क्वेश्चन आ गया, चार ऑप्शन आए, अभी एक क्वेश्चन आ गया उसका वन वर्ड आंसर है, ऐसा नहीं आ रहा है अब बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा मतलब रिवीजन ज्यादा है, मॉक्स ज्यादा चाहिए, मतलब मॉक्स ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके। तो प्रिपरेशन का जैसे आपने अभी तक बात करा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे टू द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की आपको ऐसे ज्यादा बेटर आपका प्रिपरेशन हो गया, कुछ भी ऐसे कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? यस मैम, प्रीलिम्स का तो जैसे सबको पता है, मॉक्स दीजिए, मॉक्स देंगे प्रीलिम्स के लिए, मॉक्स देंगे कंप्लीट करें सारा, मतलब आप सिलेबस एक बार कवर करिए, फिर मॉक्स दीजिए, रेगुलर मॉक्स दीजिए अपना, मतलब एनालिसिस करिए नंबर अच्छे आ रहे नहीं आ रहे, फिर वो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, अगर आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि हाँ मेरा इतना अटेम्प्ट जा रहा है, इतने मेरी एक्यूरेसी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मतलब आप प्रीलिम्स की तैयारी मेरी पूरी है। मेंस में मतलब एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा, मतलब सबको सजेस्ट करूँगा मैं, ये चीज़ मैंने फेस किया पहली बार जब मैंने मेंस दिया था, मैंने ये गलती की थी, मतलब प्रैक्टिस पूरी की थी मैंने, पजल्स की, डीआई की, अरिथमेटिक की, मतलब मिसलेनियस की, सबकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब 7-8 दिन बचे थे एग्जाम में, तो मैंने सारा टाइम छोड़ के सारे सब्जेक्ट छोड़ दिया, मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लग गया कि करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, मार्क्स थोड़े 10 नंबर ज़्यादा आ गए तो मैं वैसे ही एज ले लूँगा सारे बच्चों से 10 नंबर का, लेकिन ऐसा होता है मतलब आप कर लोगे ठीक है, आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा कर लोगे, ज़्यादा टाइम दोगे कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये फंसती है फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, मेंस में डीआई के क्वेश्चन छूने की हिम्मत नहीं होती है, फिर डीआई अगर छूओगे भी ना तो आप कर नहीं पाओगे, फंस जाएगा, फिर 5-6 मिनट बाद आपको स्विच करके दूसरे क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, वो छूते भी नहीं होंगे डर के मारे, डीआई छोड़ देते हैं, डीआई छोड़ देंगे, पजल छोड़ देंगे, जबकि वो डुएबल होती है, तो मैं बोलूंगा लास्ट तक करते रहिए, सारा सब्जेक्ट करिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको देना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा टाइम निकालिए उसके लिए, एक्स्ट्रा टाइम मतलब ये नहीं कि रीजनिंग का टाइम कट कर दिया, क्वांट का टाइम कट कर दिया, वो आपको लास्ट डे तक करना है रीजनिंग एंड क्वांट, तभी आप मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे मेंस में, अदरवाइज आप फिर डरोगे वहाँ पे, ये चीज आप फील करोगे, बहुत बच्चे फील किए भी होंगे पिछले मेंस में, मतलब सारे ही सब्जेक्ट साथ में लेके चले, छोड़ना नहीं है, मतलब अगर कोई छोड़ दिया आपने तो वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कांस्टेंट प्रैक्टिस होती है आपकी, चाहे वो आखिरी दिन तक ही क्यों ना, आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है चीजों में। मेंस के एग्जाम से एक दिन पहले आपने पढ़ाई करी थी? नो, दो दिन पहले छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया कि नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ता था थोड़े थोड़े, वो भी ये नहीं कि पूरे, मतलब जो मुझे लगता था कि ये डेटा पढ़ लूं, ये थोड़ा लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लिया, बाकी ऐसा नहीं कि क्लास कर रहा हूँ, मॉक्स दे रहा हूँ, वो सब छोड़ दिया था मैंने दो तीन दिन पहले। तो आपने दो दिन क्या करा? आपने सिर्फ अपने जॉब के पे ध्यान दिया? फिर आपने कुछ भी नहीं करा? कुछ भी। ठीक है, इसमें मेंस के एग्जाम्स में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपने अपने सोशली जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो हैं आपके, आपने उनसे बात करी थी या फिर आपने बिल्कुल ही अपने आप को शट डाउन कर दिया था कि नहीं अभी मैं थोड़ा करके रहना पड़ता है, थोड़ा आपको कट के रहना पड़ेगा दोस्तों से, क्योंकि फ्रेंड से बात करेंगे फिर वो मिलने के लिए बुलाएंगे मीटिंग्स और ये, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, और मतलब ना चाहते हुए भी आप सोचो कि दो घंटे में चलाऊंगा, लेकिन 3-4 घंटे लग जाते हैं, वो आपका एक दिन का जो आप मतलब पूरे वीक का छोड़ के रखते हो ना कि संडे को कर लूंगा कंप्लीट, ये सबके माइंड में होता है, सब लोग थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं बाद में करूंगा, लेकिन वो होता नहीं है, वो संडे के लिए छोड़ते हैं हम कि संडे को कर लेंगे, लेकिन आप फिर
फ्रेंड से थोड़ा मिलने चलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है. मैनेजमेंट थोड़ा, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो बिल्कुल रखिए, फ्रेंडशिप रखिए, दोस्तों से मिलिए, सब कुछ चलेगा. तो ये आपने कब से करना चाहिए, प्रीलिम्स के टाइम से ही करना स्टार्ट कर देते या फिर मेंस में? आप पहले तो बातें करता था दोस्तों से, फिर जब रिजल्ट्स आए एक दो, अगर नहीं हुआ फिर ऐसा लगा कि ये थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा कट के रहूंगा तभी होगा कुछ, अदरवाइज कुछ हो नहीं सकता. तो डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन अगर कोई मैनेज कर लेता है तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है तो नाउ वी कम बैक टू द मेंस एग्जाम. आपका मेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत पैनिक था जब आप एग्जाम देने जा रहे थे या फिर आप बहुत कूल एंड काम थे? पहली बार जब दिया था मेंस तो बहुत पैनिक हो गया था मैं, मतलब उतना अटेम्प्ट मैं किया ही नहीं जितना मैं कर लेता था. बहुत बेकार गया था, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए थे मेरे, क्वांट के क्वेश्चन छूट गए थे, जबकि आ रहा था. मतलब ऐसा सबको होता है कि आ रहा है क्वेश्चन, बहुत वैसे होते नहीं है कि नहीं आए, सबको घर जाके यही लगता है कि ये क्वेश्चन और मैं कर सकता था, पांच क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था. सेम यही हुआ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कम किया था, जितना अटेम्प्ट कर सकता था उससे भी कम किया, थोड़ा घबरा गया था मैं. तो ये होता है, एक तो पहले मतलब माइंड में ये मत सेट करिए कि मेरा प्रीलिम्स हो गया. बहुत बच्चों का ये होता है ना, जो दो तीन बार दे चुके होते हैं, दो तीन प्रीलिम्स देते हैं खराब होता है, तो उनका पहला निकलता है तो फिर उनको ये लगता है मेरा प्रीलिम्स हो गया, अब मैं मेंस दे रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, उनको ऐसा लगने लगता है. लेकिन नॉर्मल लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स हुआ तो मेंस देंगे, सिंपल सी बात है. तो मेंस दीजिए, उसकी प्रिपरेशन आपने की है, सब करते हैं, प्रिपरेशन सबकी होती है, बस एग्जाम में जाके घबराते हैं. तो उसकी वजह से अगर आप अपने को कूल रखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं तो अच्छा अटेम्प्ट होगा. और SBI PO की मेंस और IBPS PO का मेंस क्या डिफरेंस था उसमें? डिफरेंस कुछ नहीं था मेरा तो, मतलब ये था, मतलब इंग्लिश मेरी अच्छी हुई थी दोनों में, IBPS PO में भी इंग्लिश अच्छी हुई थी और SBI PO में भी. बाकी क्वांट थोड़ा मतलब टफ था, तो क्वांट में का अटेम्प्ट कम रह गए थे, करंट अफेयर्स में भी मेरे अटेम्प्ट कम थे, लेकिन रीजनिंग मैंने कवर कर ली थी. कोई एक स्पेसिफिक उसमें या फिर आप दोनों का ही बोल रहे हैं? नहीं, मैं IBPS PO की बात करूंगा पहले. IBPS PO में क्या हुआ था, क्वांट थोड़े कम रह गए थे अटेम्प्ट. अच्छा. फिर रीजनिंग मैंने ठीक ठाक कर लिया था, पजल्स मैंने दो कर ली रीजनिंग में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अच्छा अटेम्प्ट है, रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश बहुत अच्छी हुई थी मेरी. बाकी करंट अफेयर्स बहुत था, खराब था, मतलब उतना रिवाइज नहीं कर पाया था मैं, या फिर मतलब क्या चीज़ था, जैसे रिटेन नहीं कर पा रहा था, वहाँ आंसर्स याद नहीं आ रहे थे मुझे, ऐसा था, तो वो भी ख़राब गया था. लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट्स अच्छे थे, तो मुझे आइडिया था कि हाँ अच्छा, मतलब नंबर अच्छे आएंगे. डाटा इंटरप्रिटेशन का लेवल क्या था जब आप एग्जाम दे रहे थे? जो आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी थी उसके हिसाब से आपको क्या लगा जब आप एग्जाम दे रहे थे? DI टफ था मैम. DI काफ़ी टफ था? यस मैम, टफ था, मतलब एनालिटिकल टाइप का था, जैसे कि आप मतलब बहुत जल्दी क्लिक नहीं हो रहा था माइंड पे किसी को. बहुत ईजी क्वेश्चंस भी थे जो समझ में नहीं आ रहे थे कि ऐसे ही करने हैं, मतलब या फिर क्या पूछ रहा है ये चीज़, जैसी बहुत जल्दी कोई एनालाइज नहीं कर पाता क्या क्वेश्चंस हैं. तो बहुत लोग तो ढूंढ रहे थे, मतलब कितने दोस्त मेरे ऐसे थे जो बोल रहे थे मुझे दो क्वेश्चन भी नहीं मिले पूरे पेपर में, मतलब दो क्वेश्चन भी करने लायक नहीं मिला उन्हें, तो वो ढूंढते ही रह गए. तो ऐसा भी था, मतलब कुल मिलाकर मतलब जिसकी एनालिसिस अच्छी थी, जिसको पहले आइडिया लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन डूएबल है, उसके अटेम्प्ट अच्छे हो गए. तो आपने कितने अटेम्प्ट किए थे अगर आपको याद? 8 किए थे मैंने. 8 क्वांट में? यस मैम. क्वांट्स पूरा का पूरा? यस मैम. ठीक है. सो अगेन आई एम कमिंग बैक टू DI ओनली हियर. जैसे DI में अब जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, चाहे कितना भी प्रिपेयर कर लो, अगर क्योंकि टफ आना ही है, मीन्स है आप ईजी सोच के नहीं जा सकते हो. कोई ऐसा हुआ हो कि आपको एकदम ऐसा लगा हो कि नहीं हो रहा है अब कैसे करूँगा, ऐसा कोई आपका मोमेंट हुआ या आपके आसपास ऐसा कुछ चल रहा हो, पैनिक या कुछ ऐसा? जिसमें मेरे जस्ट साइड में एक लड़की बैठी थी, उसका मतलब 20 मिनट हो गए थे, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था. वो बिल्कुल घबरा सी गई थी, मेरा एक भी नहीं हुआ. मतलब वो सोच रही थी मैं कुछ बोल दूँ कि जैसा कि यहाँ हो, ये वाला क्वेश्चन कर लो डुएबल है, ऐसा कर लो डुएबल, लेकिन मतलब एग्जाम हॉल में आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते. तो उसको मैंने देखा वो पैनिक होते हुए, उसको एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था. मतलब पेपर टफ था, ऐसा था, क्वांट बहुत टफ थी, लेकिन ढूंढना था. आप ढूंढते बिल्कुल मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा. मतलब एक DI थी, जैसे 4 मार्क्स की एक DI थी, वो बिल्कुल ईजी थी. वो जिसको मतलब वो टच हुआ होगा ना, वो कर ले गया होगा. तो वही आपको मतलब पिक करना है, क्वेश्चन पिक करना है, मेन से यही है मैम. क्वेश्चन पिक करिए, आप उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, पिक करने से पहले उसे टाइम दीजिए, थोड़ा पढ़िए, समझिए, आपको लग रहा है कि हाँ ये डुएबल है, आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल होगा. नहीं होता, नहीं भी होता है, तो आपको ये लगेगा ना कि हाँ आपने पूरा मतलब अपना अटेम्प्ट दिया है उस पर. 7-8 मिनट भी खराब होते हैं, आप अगला अटेम्प्ट दीजिए उसमें. मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट करने नहीं, ऐसा नहीं कि 25-30 अटेम्प्ट करने, कुछ बच्चे करते हैं लेकिन सबको नहीं करना है, सिलेक्शन ही लेना है हमें. यस मैम. लेकिन वही चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में अगर वो पैनिक हो जाते हैं, तो उनको दूसरा क्वेश्चन भी, इवन इफ इट इज डूएबल, उनके पैनिक अटैक की वजह से वो नहीं कर पाते. वो कहते हैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं. ऐसा सिचुएशन होता है, सबके साथ होता है. मतलब या फिर ऐसे ये, या तो ऐसे हो गया
कोई या फिर ऐसे हो गया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको आती है, अगर उसने उस क्वेश्चन को टच किया वो भी नहीं हुआ तो फिर ज्यादा पैनिक होता है क्योंकि एकदम कॉन्फिडेंस भी आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया आपका। तो उसमें ऐसे करना, थोड़ा एक मिनट रुकिए, शांत रखिए, थोड़ा मतलब सांस लो, फिर थोड़ा ट्राई करो आप, मतलब क्वेश्चंस देखो आप, ये मत सोचो मुझे करना है, थोड़े क्वेश्चंस देखो, थोड़े शांत माइंड से 2-3 मिनट वेस्ट करो आप, मतलब वेस्ट क्या है वो इन्वेस्ट हो गया, दूसरों को लगेगा वेस्ट है लेकिन आप इन्वेस्ट करो, थोड़े 2-3 क्वेश्चन घूमो, फिर आपको समझ में आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा आपको, फिर अटेम्प्ट करो, वो भी नहीं होता फिर छोड़ दो, 2 मिनट फिर बैठ जाओ, फिर देखो कि आप अगर 10 मिनट ऐसे, मतलब 10 मिनट भी आपका खराब जाता है ना तो बाकी 10 मिनट भी अच्छा जाता है ना, 10 मिनट में आप 7-8 क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल जीरो से नहीं जाओगे घर पे आप। राइट। तो एग्जाम्स में, मतलब एग्जाम मेन के एग्जाम में आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था, ऐसा कौन सा सेक्शन था जो आपको लगा इट इज़ डिफिकल्ट, ज़्यादा ही, मतलब क्वांट्स तो आपने बताए लेकिन ऐसा हो कि आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी थी लेकिन वहाँ जाके कि नहीं, जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इट इज़ मच मोर टफर, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट? नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं था, नहीं मतलब ऐसा होता ही नहीं है, जैसे कि टीचर्स ऑलरेडी बहुत टफ क्वेश्चंस कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आप खुद करते हो, मॉक्स में भी बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मतलब ऐसा होता है हम पिछले ईयर से कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर कितना कैसा लेवल था, इस बार कैसा लेवल आया, उससे कंपेयर करके हम बोलते हैं टफ है, जबकि प्रैक्टिस तो हम घर से करके आते हैं कि हाँ इतना टफ भी आया तो मैं करूँगा, अटेम्प्ट तो करना है, लेकिन वो हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, इसलिए बोलते हैं कि हाँ टफ आया इस बार। सो जो आप जो भी पढ़ोगे इट विल बी फ्रूटफुल, ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ाई करी है तो आपका वहाँ जाके एकदम से ऐसा हो जाए कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो जो मैंने पढ़ाई करी थी उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं होगा, आपका जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कॉन्स्टेंट रिविजन करते रहोगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। मतलब क्वांट्स और रीजनिंग में ना मतलब टॉपिक्स बहुत मतलब डेफिनेट है, मतलब कुछ कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं उनसे ही आने क्वेश्चन, बस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन में क्या पूछता है, पजल्स आएगी, पजल ही फिक्स है, पजल आनी है, सेटिंग अरेंजमेंट आना ही है, वो सब कुछ फिक्स रहेगा, मतलब उसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेवल थोड़ा अप हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पढ़ के कुछ और गए टॉपिक इसी और, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, सो जब आप मेंस के एग्जाम क्लियर नहीं मेंस के एग्जाम करने के बाद आप बाहर निकले तो आपको क्या फीलिंग थी, हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा आप कॉन्फिडेंस था पहले, मतलब IBPS में तो लगा था कि हो जाएगा, SBI में थोड़ा डाउट था क्योंकि टफ था, तो लेकिन निकला तो बाकी बच्चों से जानने के बाद कि कितना अटेम्प्ट हुआ, मुझे लगा मेरा बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे मतलब बच्चों का जानने के बाद रिव्यूज वगैरह देखा, फिर मुझे लगा हाँ हो जाएगा। आपने एनालिसिस किया था घर आके एक बार कि क्वेश्चंस जो करे हैं वो सही करे या नहीं करे? यस मैम, मैंने एनालिसिस यहां तक कि मैं पॉइंट वाइज अपना नंबर मतलब कैलकुलेट कर लेता हूं। आपके एग्जैक्ट आए थे? मेरा ऐसा, यस मैम, एग्जैक्ट नहीं, 3 मार्क्स कम आए थे उससे जितना मैंने कैलकुलेट किया था, लेकिन मेरा होता है ऐसा, मुझे एक्यूरेसी मुझे पता है कि कितनी एक्यूरेसी है मेरी, जो क्वेश्चंस मैं करता हूं मुझे पता होता है कि ये सही है, और जो नहीं गेस करता हूं लोगों मुझे पता होता है कि ये गेस है, तो इसलिए मैं उसके मार्क्स हटा देता हूं या फिर गेस वर्क करता ही नहीं। सो ये तो था आपका मेंस, नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आपने दो डिफरेंट बैंकिंग के लिए आपने SBI PO और IBPS PO के लिए आपने इंटरव्यूज दिया, तो इससे पहले आपने कोई मॉक इंटरव्यूज आपने प्रिपेयर करे थे या फिर आपने कोई करे थे आपने? क्या एक्सपीरियंस था आपका उसका? एक्सपीरियंस मतलब खराब था, मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। एक्चुअल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं या फिर मॉक इंटरव्यू? मेरा खराब था। अच्छा, मॉक इंटरव्यू ने दिया था मुझे, मतलब ब्लैंक आउट हो गया मैं, ऐसा लग रहा था कुछ पढ़ा ही नहीं, सर ने बोला भी था आप मतलब देने जा रहे हो कि नहीं, मतलब ऐसा हुआ था IBPS PO के लिए मैंने मॉक नहीं दिया था, मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, वो मैंने खुद से किया था, तो उसका इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन SBI के लिए मैंने मॉक दिया था और SBI इंटरव्यू से पहले रिजल्ट आ चुका था, 4 को इंटरव्यू था मेरा SBI PO का, 1 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ गया था, उसमें सिलेक्शन हो गया था IBPS में, तो थोड़ा हैप्पीनेस थी, लेकिन उसके बाद मॉक दिया जब, तो मॉक टेस्ट में सर ने बोल दिया कि आपको लग नहीं रहा देख के कि आप इंटरव्यू देने के मूड में हो, लेकिन ऐसा था नहीं, जबकि मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, मैं क्वेश्चन से एक भी आंसर कर ही नहीं पाया, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा अलग था, मतलब सीन अलग था बिल्कुल, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो मैंने आंसर नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन हुए होंगे, लेकिन अच्छा गया था इंटरव्यू को, बहुत अच्छा गया। लेकिन जब मॉक इंटरव्यू में आपका थोड़ा सा ऐसा हो गया तो? सर ने बोला था, मतलब कुछ चीज़ें बताई थी, मैं वर्किंग था तो उन्होंने बोला था ब्रांच बिजनेस पढ़ लो, बाकी ये चीज़ें पढ़ लो, फॉरेक्स वगैरह का देख लो, RBI के फंक्शन देख लो, जो चीज़ें सर ने बोली वो फिर मैंने 2 दिन में कवर किया, कवर करके फिर मैं गया। सो एक चीज़ मेरे को पूछना, बिकॉज यू आर वर्किंग, तो जब आप काम भी कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है, क्या आपको भी ये चीज़ लगती है कि आपके वर्किंग होने की वजह से आपका इंटरव्यू में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप बात बहुत करते हो,
इवन कस्टमर्स के साथ हो या किसी के साथ अपने कलीग्स के साथ भी एक कम्युनिकेशन स्किल आपका बैठ जाता है. यस मैम. डू यू आल्सो थिंक दैट? यस मैम. हेजिटेशन खत्म हो जाती है बोलने की. कम्युनिकेशन स्किल तो फिर भी जिस जो फ्रेशर होता है उसके पास भी होती है. वो होता है किसी किसी के पास बहुत अच्छी होती है, उसकी स्किल बहुत अच्छी होती है. लेकिन मतलब जो हेजिटेंट होते हैं अगर वर्किंग है या फिर मतलब लोगों के बीच में रह रहा था उसकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी. क्योंकि आपको एक वर्क प्लेस का एनवायरमेंट मिला तो ऑटोमेटिकली आपको पता है किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हैंडल भी करना है. क्योंकि इंटरव्यू का मेन पर्पज ही होता है एक प्रेशर हैंडलिंग कैसे करोगे आप. राइट. ठीक है. तो SBI में एक और चीज ऐड हुई है दिस ईयर आफ्टर 2 years आई गेस, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज. राइट. उसका आपने कोई मॉक करा था? हाँ, मॉक किया था उसमें. मतलब वो कपिल सर का ही मैंने मॉक दिया था. तो उसमें था, उन्होंने GD कराया था, ग्रुप एक्सरसाइज भी कराया था. तो GD में GD सबको पता है टॉपिक मिलेगा, उस पर आपको एक टाइम अलॉट हो गया 20 मिनट का या 25 मिनट का जितना भी देंगे. उसमें SBI में 20 मिनट दिया था. उस पर आप डिस्कशन करते हो, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, उसका फिर मतलब कंक्लूड, एक आदमी उसको कंक्लूड करता है उस टॉपिक को. GD ये ग्रुप एक्सरसाइज में ऐसे हुआ था, एक टॉपिक मिल गया उसको, आपको मतलब उसके रिजल्ट हमें पहले से मिले थे, वो पॉइंट वाइज लिखे थे, 8 पॉइंट्स थे उसमें. मतलब पहले इंडिविजुअली आपको प्रायोरिटाइज करनी है पॉइंट्स को कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पहला प्रायोरिटी होगा पॉइंट रिजल्ट्स में. उसके मतलब जो आपको टॉपिक मिला है, एक पूरा मतलब पैराग्राफ मिल गया था, जैसे बैंकिंग पे ही था कि ये चेंजेस होंगे बैंकिंग में, तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे उसके, वो पॉइंट्स हमें मिले थे. आपको इंडिविजुअली पहले अरेंज करना है, अपने पेपर शीट पे शीट मिली थी उस पर लिखना है. आप अपने लिखोगे इंडिविजुअल, फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि आपको क्यों लगता है कि वो पॉइंट्स मतलब प्रायोरिटी उसकी पहली पे है फिर दूसरे पे, या पहले इंडिविजुअली सब लोग करेंगे डिस्कस करेंगे मतलब एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको टाइम दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप लोग मतलब म्यूचुअली कंसेंट बनाओ कि कौन सा मतलब प्रायोरिटी होना चाहिए. फिर आपको जजेस में भी कंपेयर करते हो कि आपका इंडिविजुअल और ग्रुप का सेम था कि नहीं था. अच्छा, ठीक है. सो ग्रुप एक्सरसाइज ऐड होने के बाद आपको ऐसा लगा जब नोटिफिकेशन में आया था कि ग्रुप एक्सरसाइज विल आल्सो हैपन, तो आपको ऐसा लगा था कि ये कौन सा नया चीज है अब? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो फिर कैसे पहली बार मतलब आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि कोविड से पहले ही बंद हो गया था. तो आपको ऐसा लगा था ये क्या है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपको ऐसे फीलिंग थी? मतलब थोड़ा हुआ था, लेकिन फिर ये लगा कि चलो मार्क्स जो है बाइफर्केट हो गए, मतलब थोड़े GD में चले गए. तो फिर आप वहां से सेगमेंट वाइज भी अब आप कर सकते हो कि हां ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा कर सकते हो. अगर ऐसे था, अगर इंटरव्यू में आप बैठे, इंटरव्यू खराब हुआ तो आप पूरे आउट हो गए. राइट. लेकिन ऐसे आपके पास 3 चांस हैं, GD है, जी है, फिर इंटरव्यू है. आप किसी एक में भी खराब होता तो आप 2 में कवर कर सकते हो. आपका कौन सा ऐसा सेगमेंट था जहां पे आपने बेटर परफॉर्म कर सकते थे या नहीं हो पाया? GD था. यस मैम. GD बोला था मैंने, लेकिन मतलब एक जगह मैंने एक पॉइंट काट दिया था किसी का, तो उसके वजह से GD में मुझे नंबर भी कम मिले थे, मार्क्स कटे थे मेरे. ये मुझे उसी टाइम रियलाइज हो गया था GD में ही कि मेरे मार्क्स कटेंगे यहाँ पे. अच्छा, ठीक है. आप बहुत एनालिटिक भी हो चीज़ों को लेके, कि एनालाइज करते हो आप बैठ के ना, एंड वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सेगमेंट वाइज, आपको जो आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हो, आपको एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप क्या सही बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, इट ऑल्सो हेल्प यू इन योर वर्किंग एनवायरमेंट ऑल्सो. ठीक है. सो कमिंग टू द इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू ऑल्सो नाउ, कैसा था माहौल? बहुत प्रेशर वाला था? वट वर द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड? आप प्लीज SBI PO और IBPS PO का इंडिविजुअली बताना. IBPS PO का मैं बताऊंगा. मतलब हमें बाहर से डर लगता है, लेकिन अंदर जाने पे बिल्कुल चिल्ड होते हैं वो लोग एकदम. बिल्कुल जाते ही मतलब उन्होंने पहले पूछा आप हिंदी में कंफर्टेबल, इंग्लिश में कंफर्टेबल, मतलब आपने ग्रीट किया, फिर उन्होंने बैठने के लिए ऑफर किया, फिर बोला कि मतलब हिंदी या इंग्लिश आप जो लैंग्वेज चूज़ करो उन्हें कोई दिक्कत नहीं. आप इंग्लिश भी बोलते हो ना तो ऐसा होता है 1-2 क्वेश्चन के बाद वो लोग हिंदी पे खुद स्विच कर जाते हैं. ऐसा भी होता है, मतलब ये नहीं कि इंग्लिश बोल दिया तो आप हिंदी बोल नहीं सकते. आपने ऑप्ट कर लिया इंग्लिश तो हिंदी बोल नहीं सकते. बहुत लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों ने जिन्हें दिक्कत नहीं होती है वो तो कुछ भी बोले, लेकिन पैनल आपको देखता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, वो स्विच कर लेते हैं अपने आप. उसमें वहाँ घबराना ही नहीं है, आपको बस कॉन्फिडेंस दिखाना है. मतलब आंसर भी नहीं देते हो फिर भी दिक्कत नहीं है. मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 1-2 क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे दिए थे उन्होंने. बस आप कॉन्फिडेंस में बोल दो नहीं आ रहा है, मतलब सॉरी बोल दिया या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब बता दिया कि हाँ नहीं आ रहा है, मतलब आप पूरे क्लियर रहो अपने साइड से. एंड IBPS पे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे? आपके पर्सनल जो आपने सब्जेक्ट्स करे उनके ऊपर बेस्ड थे या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थे? IBPS PO में मेरा वर्किंग था, पूरा वर्किंग था, क्वेश्चंस थे 1-2 क्वेश्चन थे जो बैंकिंग के थे, बाकी पूरा वर्किंग पूछा था उन्होंने. कैश क्या होता है, मतलब फेक करेंसी क्या होती है, कैश मैनेजमेंट में कितना आपका रिटेंशन लिमिट होता है, सब कुछ मतलब ब्रांच का बिजनेस ये सब पूछा था उन्होंने. फिर बाकी थोड़े IMPS RTGS NEFT इन सब चीज़ों के क्वेश्चन आए थे.
ये था IBPS का मेरा बहुत छोटा इंटरव्यू था, 7-8 मिनट का था इसमें। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट SBIPO? SBIPO बहुत लंबा इंटरव्यू था, थोड़ा मतलब बीच में मुझे लगा था कि बहुत लंबा जा रहा है, लग रहा खराब हो गया, लेकिन जबकि अच्छा था जैसे हुआ, मतलब मैं गया वो लोग भी बहुत अच्छे थे, मतलब पूरा कंफर्टेबल होने का टाइम दिया उन्होंने, बिठाया, फिर पहले ही पूछा किसमें बोलोगे, मैंने बोला इंग्लिश, लेकिन उन्होंने हिंदी में स्टार्ट कर दिया। फिर पहला क्वेश्चन उन्होंने इंट्रो भी नहीं पूछा, पहले पूछा आप कैसे हो, ऐसे करके नॉर्मल बिल्कुल कैजुअल टॉक स्टार्ट किया। आपको पहले काम खुद ही कर यस मैम, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में, हम लोग घबरा के जाते हैं, लेकिन वहाँ पैनल बहुत अच्छा होता है। यस मैम, ये क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने वर्किंग से भी क्वेश्चन पूछे, फॉरेस्ट के भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे थे SBIPO में, लेकिन ठीक था, आंसर नहीं देने पे भी मतलब ये नहीं बोल रहे थे कि आपको ये नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस का कितना काम होता है व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू? इंटरव्यू में आपको बैंकिंग पूरी पढ़ के जानी है, क्योंकि बैंकिंग से ही क्वेश्चन आएंगे, उनको पता कि फिर भी आप बैंकिंग पढ़ गया हो, मतलब बैंकिंग का आपने एग्जाम भी, मेंस में बैंकिंग अवेयरनेस का एग्जाम भी दिया, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं बैंकिंग का। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन याद है बैंकिंग का? उन्होंने पूछा था, जैसे ये पूछा था मेरे से कि हमारी जो करंट मतलब डीलिमिटेशन ऑफ अरे डीमोनेटाइजेशन नो सॉरी नहीं इट्स ओके, कोई सोच लो, अगर नहीं दे सकते तो आई कैन चेंज द क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन ये था जैसे करेंसी की वैल्यू कम होती है, उसको डीवैल्यूएशन वाला डीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर ये भी पूछा था उसका रीजन, मतलब क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी मतलब ये पूछा था कि मनी मार्केट सबसे बड़ी कहाँ की है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट नहीं, फाइनेंशियल मार्केट सबसे बड़ी कहाँ की है, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी भी क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे कि RBI के रोल्स, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। फिर तो बैंकिंग अवेयरनेस बहुत काम करता है आपके इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए, क्योंकि बिकॉज मेंस में ज़्यादा नहीं आते बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो जितना मैंने लोगों से बात करी जो बैंकिंग देते, तो वो क्या करते हैं, वो बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ ही देते हैं, उनको लगता है कि ये तो काम ही नहीं आएगा मेंस में, तो दे डोंट प्रिपेयर फॉर इट। लेकिन इंटरव्यूज में मैंने जितना सुना है, काफ़ी क्वेश्चंस आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं। तो जैसा कि आपने बताया SBIPO में दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस, राइट? तो बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करना भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप किसी भी और सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हो। वो आपको मेंस में भी करना है, वो हेल्प करेगा आपको, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, रिजल्ट्स, नाउ इट्स द फाइनल डे, डी डे जो आप बोलते हो, उस दिन आपने आपका एक्सपीरियंस क्या था, मुझे आप सुबह से बताएं, आप कितने बजे उठे, आपने क्या किया, आपका कितना घबराहट का लेवल कितना था, नर्वसनेस कितनी थी, या फिर आपको कॉन्फिडेंस था या नहीं पूरा? मैं IBPS का बताऊंगा पहले, IBPS BO का। IBPS BO में समवट मुझे आइडिया था कि हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स मतलब 10 दिन पहले ना मार्क्स रिलीज हो जाते हैं, मींस के कितने थे और इंटरव्यू कैसा गया था, ये आइडिया होता है समवट। तो ये था कि मुझे आइडिया था कि इसमें होगा, वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, तो उसमें यही हुआ, रिजल्ट आया। फिर मैंने कैजुअली एकदम रिजल्ट देखा था अपना, खोला, मुझे पता था कि हो जाएगा इसमें, मैंने रोल नंबर टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, देखा कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं कौन सा बैंक मिला मुझे, मुझे पता था बस मुझे श्योरिटी चाहिए थी कि हाँ लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा। मैं सुबह उठा, बहुत लेट देखा था, मैंने 9:30 बजे रिजल्ट देखा, इनफैक्ट रिजल्ट बहुत पहले आता है, मुझे आइडिया था कि मतलब होगा, तो मैंने बस रिजल्ट चेक किया कि हाँ हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज मैंने स्क्रीनशॉट लिया, छोड़ दिया। फिर मैं चुपचाप घूमने चला गया, घर में बताया भी नहीं किसी को, सुबह उठा टहलने चला गया, फिर आया, फिर मम्मी को बताया, सबको बताया, तो ठीक था, सबको ये भी था कि हाँ होगा, लेकिन फिर सब खुश हो गए। ये हुआ था उसमें IBPS में, तो ऐसा बिल्कुल कैजुअल सा था। IBPS के आई थिंक 4 दिन बाद आपका SBI का एग्जाम भी था ना? इंटरव्यू था। तो आपको वो उसका भी थोड़ा था, तो इसलिए उतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी कि हाँ ये, तो ऐसा लगता था। SBI में ऐसा हुआ था बिल्कुल, मतलब थोड़ा डर था, SBI में सीट्स बहुत कम थी, 1600 समथिंग थी, तो थोड़ा डर था कि इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें मार्क्स उतने भी अच्छे नहीं आए थे जितना मैंने सोचा था IBPS BO में, तो फिर इसमें थोड़ा डर था। तो ये मतलब इसका रिजल्ट देखा, मतलब लग रहा था 50-50 था कि कभी लगता था कि होगा, कभी लगता था नहीं होगा, ऐसा था। फिर मैंने रिजल्ट देखा तो उसमें मैं कूद गया था, मतलब उसमें ऐसा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, कोई घर में था नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के कूदा था एकदम, पूरा एक्साइटेड हो गया था। शाम को रिजल्ट आया था उसका, मैं बैंक से आया था उस दिन रिजल्ट आया था। अच्छा, यस मैम। तो आपने बैंक के लोगों को बताया कि मेरा SBIPO क्लियर हो चुका, तो उन्होंने क्या क्या रिएक्शन? खुश थे, अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने आपको मेहनत करते हुए भी देखा है, जैसे आपने बताया कि आपको जैसे जैसे 1 घंटे के लिए भी टाइम मिलता था आप पढ़ लेते थे उसके बीच में, और जिन्होंने आपको ये भी बोला कि तुम टाइम देखते हो और फिर भाग जाते हो, नहीं वो भी खुश थे बाद में, वो भी खुश थे। अच्छा, जो बोलते थे कि तुम भागने के चक्कर में रहते हो, पढ़ने के चक्कर में रहते हो, वो भी बाद में खुश थे,
बोल लेते अच्छा है बढ़िया है। और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था एसबीआई पीओ के लिए, क्योंकि आईबीपीएस तो एवरीबॉडी गॉट हैप्पी, सब कोई खुश थे। पापा ने भी मतलब आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ तो पापा ने कुछ भी नहीं बोला था, बोला था हाँ ठीक है यही बोला उन्होंने। लेकिन एसबीआई हुआ तो थोड़ा खुश थे, बोल रहे थे हाँ हाँ हो गया चलो अच्छा है बढ़िया, मतलब पढ़ते थे दिखता था तुम्हारा ये बोला। मम्मी वम्मी तो बिल्कुल ज़्यादा ही खुश थी, ये होता है पापा लोग थोड़े उतने क्लोज होते नहीं है तो अपना एक्सप्रेशन देते नहीं है, एक्सप्रेस करते नहीं है, लेकिन एसबीआई में उन्होंने भी कर दिया था। यस मैम, मेरा भी थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा ही था, मैं एकदम कूद रहा था पूरे घर में। एंड बाकी फ्रेंड्स का जिनको आपने बिल्कुल ही वो कर दिया था कि अभी मैं नहीं मिलने आऊँगा, आज तो मैं नहीं, सारे खुश थे। बाद में सबसे बात हुई तो मतलब सभी बोल रहे थे हाँ ठीक है अच्छा था, मतलब बात नहीं करते कम से कम सिलेक्शन तो हुआ तुम्हारा ये बोलते थे सब। बहुत ही बढ़िया, एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी कि आपने इस दोनों ही एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से टॉप करे। अब ये सीरियस सेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं आती हूँ हमारे फन सेक्शन में। कैमरामैन टी विद टॉपर्स का एक रिचुअल है विच इज़ रैपिड फायर। मैं आपसे बहुत क्विकली क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बहुत क्विकली आंसर्स करने हैं, इतना भी नहीं थोड़ा सोच सकते हो, एक से दो सेकेंड उस ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपने क्रैक कर लिया तो आई थिंक आप रैपिड फायर भी क्रैक कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आपको अपना नाम चेंज करना हो, क्या नाम चेंज करोगे और क्यों करोगे? अनुज। क्यों? मेरे बड़े भाई का नाम है। तो आपको अपने बड़े भाई का नाम रखना है अपने, वो मतलब बेटर है हर चीज में मुझसे, मुझे लगता है इज अ परफेक्ट पर्सन, तो रोल मॉडल की तरह है वो। ठीक है, ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन, आपने सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखी हो इस साल या आपने करी हो? सबसे इंटरेस्टिंग चीज मतलब घूमा है मैंने, इस बार घूमा है मतलब सिलेक्शन होने के बाद मैंने बहुत सारे मतलब बहुत 4-5 जगह घूमी है, वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, ओके। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है पर फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेट। आपको अगर पूरे वर्ल्ड का 30 सेकंड मिले तो आप उस 30 सेकंड में पूरी दुनिया को क्या बोलना चाहोगे? खुद के लिए टाइम निकालो आप। नाइस। ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंग्वेज अगर आपको लर्न करना हो तो वो क्या होगा? लैंग्वेज मे बी कन्नड़। कन्नड़, ठीक है। और आपकी एक फेवरेट प्लेस जहाँ विजिट करना चाहोगे? फेवरेट प्लेस कोई भी हो सकता है। इजिप्ट। इजिप्ट, वेरी नाइस, आई हैव हर्ड दिस नेम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, दिस इज रियली नाइस। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू रैपिड फायर ऑल्सो। ठीक है, फ्रॉम अन अकेडमी वी हैव प्रिपेयर्ड अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू, ये रहा, ये आपके टॉपर होने के लिए और रैपिड फायर क्वेश्चंस आपने अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो विनय, हमारे यहाँ पे टारगेट टॉपर का रिचुअल भी है जिसमें आपको अपने किसी फ्रेंड को इफ़ यू वॉन्ट कि वो यहाँ पे आए अपनी जर्नी के बारे में बात करें, जैसे आपने बात करी अपने स्ट्रैटेजीज अपने प्रिपरेशन ट्रिक्स ऑडियंस के साथ शेयर करें, तो प्लीज़ आप उनको टैग कर दीजिए। स्वप्निल गांधी and he has cleared SBIPO and is currently posted in Prayagraj. Swapnil, somebody from our team will reach on. Please, we would like you to be here. अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में प्लीज बताने के लिए आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, वी वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज टू द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव बैंकिंग एग्जाम्स इन द कमिंग ईयर्स, सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू टेल देम टू मोटिवेट देम इन देयर जर्नी, सो प्लीज। मैं ये बोलना चाहूँगा जैसे मतलब आप कंटिन्यूटी रखो, आपको पता है मटेरियल क्या है, पढ़ना क्या है, टीचर्स बताते ही हैं, सब कुछ आपके पास है, आप बस कंटिन्यूस रखो, जो पेंडिंग आप छोड़ते हो ना कि मतलब कल करना है उसको आप ज़रूर कंप्लीट करो, और थोड़ा मतलब टाइम बाउंड रहो चीज़ सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, और प्रीलिम्स मेंस साथ में लेके चलना, फिर मेंस हो जाए तो इंटरव्यू का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, और मेंस में जो मैंने वो वाला पॉइंट बताया कि करंट अफेयर्स पे ही नहीं भागना है या फिर किसी एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं जाना है जो आपका वीक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ये चीज़ें आप फॉलो करो, मॉक्स दो, प्रीलिम्स दो, प्रीलिम्स के बीच बीच में मेंस भी दो, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो ना ट्रूली बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मे बी एक बार में नहीं होता लेकिन नेक्स्ट टाइम बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच विनय, आपने बड़ा ही अच्छा बोला, और मैं इसको अगर छोटा करूँ तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपको कंसिस्टेंट होना है अपने प्रैक्टिसेस में, अपने जर्नी में, अपने प्रेपरेशन में, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना है, तभी ही आपको भी अपने जो भी आपके स्ट्रगल्स है, जो भी आपका मेहनत है उसका फल मिलेगा, राइट?
ठीक है, अब इस एपिसोड को एंड करने का टाइम आ गया है. सो विद दिस वी एंड दिस एपिसोड एंड आई होप यू रियली लाइक्ड हिज जर्नी, हिज स्ट्रैटेजीज. उन्होंने जो जो भी आपको बताया, आई होप वो आपको मोटिवेट भी करे. विद दिस, लाइक दिस एपिसोड, कॉमेंट कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स. लेट्स क्रैक इट. Thank you.